नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। झलारा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चैन स्नेचर चोर गिरोह की महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एक सप्ताह पहले मंदिर में से महिला के गले से सोने की चैन गायब हो गई थी। वही पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला दुर्गा और उसकी बेटी आशा कालबेलिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिलाओं के पास से चोरी की दो सोने की चैन भी बरामद की गई है। वहीं अभी दो आरोपियों की तलाश जारी है। अजमेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने उपखंड कार्यालय लाडनू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने पुराने राजस्व प्रकरणों को जल्द सुनवाई कर निस्तारण करने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही भूमि अवाप्ति के शेष प्रकरणों का शीघ्र भुगतान करने हेतु आदेश दिए गए। भीलवाड़ा जिले के हनुमान नगर थाना क्षेत्र के ब्रिजपुरा निवासी एक युवक की पत्नी ससुराल चली गई। इस बात से नाराज होकर युवक ने शराब के नशे में अपने घर में ही फांसी लगा ली। गंभीर हालत में युवक को कोटा MBS अस्पताल लाया गया, जहां उसका ICU में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार अशोक कुमार ने शराब के नशे में फांसी लगा ली। परिजनों को जैसे ही पता चला तो उसे देवली अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर कोटा MBS अस्पताल रेफर कर दिया गया। हनुमान नगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पति पत्नी के आपस में बातचीत में ही इसने अनजाने मतलब शराब पी के फांसी लगा ली। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वरूपगंज में संचालित सूरज हॉस्पिटल पर छापेमारी की, जहां टीम को बिना पंजीकरण के हॉस्पिटल संचालित होता मिला। इस पर टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया। बता दें कि अनाधिकृत रूप से संचालित अस्पतालों और नर्सिंग होम के विरुद्ध चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है। छापेमारी की कार्रवाई से अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। कार्रवाई में सामने आया कि बायोमेडिकल वेस्ट बिना पंजीकरण के संचालित किया जाता मिला, मानक भी पूरे नहीं मिले। वहीं अस्पताल प्रभारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के डाबी थाना इलाके के राजपुरा गांव में बंद पड़ी खान में नहाने गई दो बालिकाओं की पानी में डूबने से मौत हो गई। खान के पास कपड़े देखकर अनहोनी की आशंका का पता लगा तो महिलाओं ने पास ही झोपड़ी बनाकर रहने वाले दोनों बच्चियों कविता और सुमन के परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद तलाश कर दोनों बालिकाओं के शव निकाले गए। मौके पर पहुंची डाबी थाना पुलिस ने बच्चियों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच तालेड़ा थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। कामा थाना क्षेत्र के ग्राम कुलवाना में प्रशासन की मौजूदगी में शमशान भूमि की पैमाइश और नीम खुदाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जहां प्रशासन और ग्रामवासियों के सहयोग से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा शमशान भूमि पर कर रखे अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। पटवारी और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में JCB की सहायता से शमशान भूमि की नींव खुदाई की गई। अतिक्रमण के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सरपंच प्रतिनिधि किशोर यादव और ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था। काम कुलवाना के शमशान भूमि की पैमाइश और नींव खुदाई बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो गई है। इसके लिए शासन प्रशासन व ग्राम वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला परिषद कार्यालय पर मनरेगा मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिला मजदूर भी मौजूद रही। मनरेगा कार्यों को शुरू करवाने और मनरेगा कार्यस्थल पर सभी सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग करते हुए मजदूरों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मनरेगा स्थल पर नरेगा कर्मियों को आने वाली समस्याओं के निस्तारण और जिले भर में कई स्थानों पर बंद पड़े नरेगा कार्यों को फिर से शुरू करने की मांग की गई। बड़ी संख्या में आए मजदूरों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में जिला परिषद CEO अशोक असीजा से मिलकर मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर एडवोकेट रघुवीर वर्मा ने मजदूरों के प्रमुख मांगों के बारे में बताया। आज मनरेगा मजदूरों के जो काम बंद पड़ा है उसको शुरू कराने, मनरेगा मजदूरों की पूरी मजदूरी के लिए के और मेटों के जो पिछले 16 महीने से जो बकाया पड़े हैं उस बकाया को, और जो मनरेगा में जो सुविधाएं मिल रही है इसकी छाएँ की, पानी की, दवाई की, पालने की, वो कोई भी हमें कार्यस्थल पर नहीं मिल रही है। इन तमाम सवालों को लेकर काम शुरू कराने समय और ऑफलाइन जो हाजिरी है वो करवाने की, ऑनलाइन में सर्वरक मिल नहीं रहा है, कभी रेंज नहीं रहती है, कभी सर्वरक डाउन रहता है, ये सारी जो परेशानियां हैं उसको देखकर आज हनुमानगढ़ तहसील के मनरेगा के मजदूर आए हैं, वो इस बात को लेकर कि इसे इन समस्याओं को हल किया जाए। समस्या लेके आए हैं नरेगा की झंडाली ग्राम पंचायत से हमें, और ना तो मेटों का भुगतान हो रहा है और ना भी हमारा कोई भी काम 100 दिन पूरा कौन करवावे, ना मैंने पूरा पैसा आने लग रहा, पैसा आवेगा यहाँ क्या 235 रुपया दिहाड़ी आ रही है और मैंने 150 रुपया दिहाड़ी देने लग रहा है, और काम करते ही मैंने छुट्टी कौन दिया, मैंने 2 बजे बिठाए रखा, 6 बजे लागे 2 बजे में बैठा रहे वहाँ, तो मैंने काम करते ही छुट्टी मिलनी चाहिए।
बड़लियास थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई करते हुए 360 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शिवचरण ने बताया कि अवैध पदार्थ रखने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थ 360 ग्राम गांजे को जब्त कर आरोपी गोपाल लाल निवासी ढेलाना को गिरफ्तार किया है। पटवार भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों ने जिला आवंटन और नियुक्ति की मांग को लेकर राजस्व मंडल के चेयरमैन महावीर प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में नियुक्ति देकर जिला आवंटित करने की मांग की है। चयनित अभ्यर्थी अमृतलाल पटेल ने बताया कि पटवार भर्ती 2021 का अलॉटमेंट और नियुक्ति आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। उसी मांग को लेकर राजस्थान के सभी जिलों के अभ्यर्थियों ने चेयरमैन महावीर प्रसाद से मुलाकात कर जिला आवंटित करने की मांग की है। वहीं चेयरमैन की ओर से आश्वासन देते हुए 15 दिन में समस्या का समाधान करने की बात कही गई। जिला आवंटन और नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित के लिए आए थे। मैं अमृतलाल पटेल, ऋषभदेव उदयपुर से, यहाँ अजमेर राजस्व विभाग में चेयरमैन साहब से हमारी 4 सदस्यों की टीम मिली और हम 3 साल से हमारी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 15 जुलाई तक आपको जिला आवंटन कर दिया जाएगा और नियुक्ति दे दी जाएगी। और इन्हीं की उम्मीदों पर हमें वादा किया गया कि आपको 15 जुलाई तक नियुक्ति दे दी जाएगी और आपको आने वाले समय में पटवारी के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। सर मथुरा ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान का फॉलो अप शिविर लगाया गया, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने सर मथुरा उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटो के निर्देशन में जन सुनवाई कर समस्याओं का निस्तारण किया। इस दौरान विकास अधिकारी राजेश शर्मा, सहायक अभियंता शिव सिंह मीणा, सिंटू मीणा, जलदाय विभाग राधेश्याम मीणा, चिकित्सा विभाग डॉक्टर सचिन कुमार गर्ग, आयुर्वेदिक विभाग के मुकेश शर्मा सहित विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।